सो वेलकम ऑल टू द चैनल। तो हम निकल पड़े हैं आफ्टर लॉकडाउन, हमारा जो फर्स्ट ट्रैक है, जो हम मिलने वाले हैं भोलेनाथ से और भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो हम निकल पड़े हैं हमारी सिटी सोलन से नौराधार की तरफ। तो हमारा नौराधार से ट्रैवल रहेगा बाय रोड, उसके बाद हमारा जो असली ट्रैक है वहाँ से चूड़धार पीक के लिए स्टार्ट होगा। तो हम निकल पड़े थे सोलन से करीब 6 बजे सुबह सुबह निकल गए थे, और जो हिमाचल से होंगे उनको पता ही है आजकल जो सुबह सुबह व्यू होता है पूरी फॉग होती है और ठंडी ठंडी हवा और जो आपका सनराइज़ हो रहा होता है मतलब हेवन का नज़ारा देखने को मिलता है। तो इसी नज़ारे के साथ हम अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और आफ्टर लॉकडाउन निकल पड़े थे हम भोलेनाथ जी से मिलने के लिए। तो आपके सामने कुछ अभी भी विजुअल्स आ रहे होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो जैसे हम नौराधार पहुँचे थे तो हमने सबसे पहले आपका जो हमारे फ्रेंड्स है आपको मैं उनका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। सो हम पहुँच चुके हैं नौराधार और यहाँ से हम निकलने वाले हैं चूड़धार जो है, और ये हमारे बैग पैक जो सारे पैक होते हैं स्लीपिंग बैग भी बन चुका है और हम भी अब टाइट हैं। सो लेट्स गो। टाइट होने के लिए जा रहे हैं। इंट्रोड्यूस करो लो, ये अपने ड्राइवर, ये अपने ट्रक ड्राइवर, ये अपने सिंगर, कंडक्टर भी है। कंडक्टर सो आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो हम निकल पड़े नौराधार से चूड़धार पीक की तरफ भोलेनाथ जी से दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही हम निकले हम नौराधार से पीक की तरफ तो स्टार्टिंग में एक खड़ी चढ़ाई आती है जो शुरू में ही होती है। तो हमारे लिए एक डिसएडवांटेज ये था कि जो हम काफ़ी टाइम बाद हमारा 7 महीने बाद घर से बैठ के डायरेक्टली हम ट्रैक पे जा रहे थे और काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी। तो सच बताऊँ तो आपकी हम सभी की मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब काफ़ी ज़्यादा टफ लग रहा था फर्स्ट चढ़ाई में, क्योंकि हमारे पास सामान भी बहुत ज़्यादा था। हमारे पास टेंट्स थे, हमारे पास स्लीपिंग बैग्स और जो हमारी कैंपिंग के लिए बर्तन वगैरह हम बहुत सारा सामान लेके जा रहे थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन हो गई थी बीच में हमारे लिए। तो हम जैसे ही हमारा ट्रैक करते करते हमें कुछ छोटे बच्चे भी मिल गए, तो हमारे से उन्होंने चॉकलेट्स मांगी। तो हमारे पास लकीली चॉकलेट्स थी तो हमने उनको कुछ चॉकलेट्स दी, उसके बाद हमारे स्टार्टिंग में, उसके बाद हम आगे बढ़े। तो उसके बाद बच्चों ने कुछ पोजेस भी दिए हमारे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको विजुअल्स भी देख रहे होंगे। तो बच्चों ने काफ़ी अच्छे अच्छे पोज दिए। उसके बाद हम निकल पड़े हमारी अगली डेस्टिनेशन की तरफ जो थी हमारा फर्स्ट स्टेप, जो हमारा जो उड़दार की तरफ ट्रैक करते हैं। तो हमारी वहाँ पर पहली हमारा एक नाम है, वो एक जगह आती है जो कि आपका बोल सकते हो आप पहली दूसरी एंड तीसरी जो है हमारा थर्ड जो होता है लास्ट में हमको भोलेनाथ जी के दर्शन मिलते। तो हमारा फर्स्ट स्टेप था पहली की तरफ, तो हम पहली की तरफ निकल पड़े थे। सो जैसे कि हम काफ़ी जल्दी निकले थे सोलन से, तो हमने सोचा बीच में हम ब्रेकफास्ट कर ले। तो हम कुछ ब्रेकफास्ट के लिए अपने परौंठे लेके गए थे, तो वहाँ पे हमें मिल जाता है हमारा एक पुराना साथी, जैसे हमने 2 साल पहले भी ट्रैक मारा था तो हमें ये सेम मिला था। मैं आपकी इसकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा। तो हमने इसको भी बिठा लिया अपने साथ ब्रेकफास्ट करने, और हमने इसको भी ब्रेकफास्ट करवाया। तो ये डॉगी जो होते हैं आपके यहाँ पे विशेष काम के लिए होते हैं, आपको 2-3 यहाँ पे मिल जाएंगे। ये आपको रास्ता दिखाते हैं ऊपर तक, जैसे काफ़ी लोग जो गुम हो जाते हैं जिनको रास्ता नहीं पता होता है। जो आप बाकी आप सुन, अरे हाँ दे दो दे दो दे दो दे दो दादा दे दो। अरे ऊपर से आएगा ना पैदल चलते इस टाइम, इसने फाइट भी करी किसी के साथ देखना। इसका काम पता क्या होता है, जैसे आ रहे हैं ये रो रहा है, नहीं हाँ सुन, अरे चूड़दार से आएगा चलते, ये आपको ऊपर तक ले जाएगा चूड़दार तक अपने साथ सेफली। हाँ रास्ता ही दिखाएगा। सो हम पहुंच चुके थे हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन पहली पे, जहां पर हमने कुछ रेस्ट किया और हम दूसरी के लिए निकल पड़े। तो हमने एक गलती कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए और किसी को नहीं करनी चाहिए, हम शॉर्टकट के चक्कर में फंस गए और वहां से हम शॉर्टकट की तरफ निकल गए। तो हम फंस गए थे हम दूसरी की तरफ बीच में ही रास्ते में, तो काफ़ी जंगल में फंस गए। लेकिन मतलब डरना नहीं चाहिए, हमने थोड़ी सी मस्ती करते हुए हम आगे बढ़ते रहे जैसा आप देख भी रहे होंगे। तो उसके बाद हम बढ़े आगे की तरफ, तो हमने बीच में थोड़ा सा हमने अंदाज़ा लगाया कि शायद हमें ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो घोर जंगल था, मतलब हम बीच में 1 घंटा हमारा ऐसा वेस्ट हो गया, हम चढ़ाई चढ़ी जा रहे थे लेकिन हमें कुछ डेस्टिनेशन दिख ही नहीं रही थी। तो फाइनली क्या हुआ, उसके बाद हमने अपना एक अंदाज़ा लगाया और उसके बाद हम ऊपर की तरफ बढ़े और हमें रास्ता फाइनली दिख गया और हम दूसरी की तरफ। सो फाइनली रास्ता भटकने के बाद हम सही डायरेक्शन में मिले और उसके बाद हम सेकंड डेस्टिनेशन में पहुंचे जो थी हमारी दूसरी। तो दूसरी में पहुंचने के बाद हम जब तीसरी हमारी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे थे, तो हमें बीच रास्ते में पता चलता है कि हम कैंप नहीं कर सकते हैं तीसरी पर, क्योंकि वहाँ पर कोविड के कारण हमारा 2 से 3 किलोमीटर के अंदर कोई कैंपिंग नहीं थी और जो शेल्टर्स और सराय हम जो बोलते हैं वो भी सारी बंद थी। तो उसके बाद हमने बीच में हमारा टेंट लगाना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर हमने अपनी 2 टीम्स डिवाइड कर दी, जहाँ पर हमारी 2 टीम थी जो हमारी कैंप लगा रही थी,
टीम हमारी चाय बना रही थी, तो इसके साथ साथ हमने कुछ लकड़ियाँ भी उस टाइम में इकट्ठी कर ली रात के लिए, क्योंकि हमें रात को बहुत ठंड होने वाली थी और उस टाइम पे ओस भी जमना स्टार्ट हो गई थी। तो हमने इस करके हमने लकड़ियाँ इकट्ठी पहले ही कर ली और हमने सारी तैयारी कर ली। उसके बाद हमने एक पर्सन या दो पर्सन को चाय बनाने के लिए रखा था, जो कि हमारी चाय तैयार हो रही थी और जो हमारा पतीला था पूरा काला हो चुका था, क्योंकि हमें उस टाइम पता नहीं था कि उसमें मिट्टी भी लगानी होती है। तो फाइनली हमने चाय बनाई और चाय जब हमने मतलब हम सुबह से चले हुए थे और शाम को 4 से 5 बजे हम पहुंचे थे और व्यू हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था वहाँ पर। और उसके साथ साथ हमारी जब हमको फर्स्ट चाय मिली हमारी सुबह के बाद, तो देखिए हमारा रिएक्शन। चीयर्स करा दा, चीयर्स चीयर्स, आ जाओ सब आ जाओ साथ में। ये चाय बनाई है हमने, हाँ दिखा दो पतीला काला बिल्कुल नया, लेकिन बड़ी मेहनत करने के बाद देख क्या क्या बोलना चाहोगे? सुबह से बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली ये देखो भाई मेहनत की कमाई। मस्त यार। सो हमारी चाय को एंजॉय करने के बाद जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, वैसे वैसे जो हमारा ब्यूटीफुल सनसेट हमको देखने को मिला, जहाँ पे हमको पहाड़ियाँ दिख रही थी और इसके साथ साथ तीसरी जहाँ पे भोलेनाथ जी की पहाड़ी थी वो पूरी लाल हो गई थी और चारों तरफ अंधेरा, तो ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत था। मतलब हेवन बोल सकते आप, जन्नत से कम नहीं था ये नज़ारा, जहाँ पे मतलब भोलेनाथ जी की पहाड़ी बिल्कुल लाल और एक अलग ही चमक में दिख रही थी। इसके साथ साथ हमने कुछ यहाँ पे सिनेमैटिक शॉट्स भी लिए इसके बाद, जैसे हमारा जो अंधेरा बढ़ रहा था क्योंकि हमारी जो ठंड थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, ओस जमने लग गई थी, जिसके कारण जो हमारी चार्जिंग जो भी हमारी चीज़ें थी वो जल्दी ड्रेन होने लगी थी, क्योंकि जो हमारी ठंड होती है तो ठंड में काफ़ी जल्दी हमारी जो चार्जिंग चीज़ें ड्रेन होती है। इसके बाद हमारी लकड़ियाँ थी काफ़ी काम आई, हमारी नहीं हमारे साथ साथ काफ़ी लोगों के काम आई जो हमारी लकड़ियाँ थी। इसके बाद हम सो गए और सुबह हम जैसे ही उठे मतलब जो नज़ारा था मतलब वो बिल्कुल ही अद्भुत था। जो मॉर्निंग का व्यू आप बोलेंगे मतलब एक नंबर व्यू था हमारा देखने के लिए। सुबह सुबह पहाड़ियाँ थी चारों तरफ, एक शांति अद्भुत और एक मतलब हिमाचल में पहाड़ों में एक अलग ही मज़ा है। इसके बाद जैसे ही हमने पहाड़ियों को थोड़ा इन्जॉय किया, इसके बाद हम थोड़ा फ्रेश हुए, इसके बाद हमने थोड़ा नाश्ता करा, हमने जो हमारा ब्रेकफास्ट रेडी टू ईट था, इसके बाद हम निकल पड़े हमारी तीसरी मेन डेस्टिनेशन की तरफ जो थी हमारे साथ भोलेनाथ जी की मिलने की डेस्टिनेशन। तो जैसे हम भोलेनाथ से मिलने के लिए गए तो धीरे धीरे हमने काफ़ी चढ़ाई चढ़ी और उसके बाद जब भोलेनाथ हमारे पास आए जा रहे थे तो वो जो हमारा नज़ारा था वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत था, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़े जा रहे थे वैसे वैसे भोलेनाथ हमको दिखे जा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा करीब हमारे आ जा रहे थे जिसके लिए हम गए थे। तो काफ़ी अद्भुत मतलब नज़ारा था हमारे लिए भी। इसके बाद जैसे हम बढ़ने लगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको पता है 6 महीने बाद लॉकडाउन में जब आप इतना चलेंगे तो ऑनेस्टली मतलब थक जाता है इंसान। तो इसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़े तो उसके बाद हमने कुछ रेस्ट किया थोड़ा सा बीच में, उसके बाद हम आगे दोबारा से चल पड़े और जैसे हम चल रहे थे तो भोलेनाथ जी हमारे बिल्कुल पास आते रह रहे थे और वो मतलब एक नज़ारा और एक जो पल था ना मतलब आप बोल नहीं सकते, बहुत अद्भुत था। तो भोलेनाथ जी हमारे बिल्कुल पास थे तो हम भोलेनाथ जी के पास गए, हमने भोलेनाथ जी के वहाँ दर्शन करे और वहाँ पर एक मतलब एक अद्भुत ही नज़ारा था। अद्भुत नज़ारा यह था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, भोलेनाथ जी हमारे सामने थे, खुला आसमान था, बिल्कुल टॉप पे थे हम वहाँ कुछ देर बैठे और हमने उस मोमेंट को जिया, तृप्ति बोलते एक तरीके से हमको तृप्ति मिली थी और एक जन्नत मतलब जन्नत से कम नहीं था मतलब वो अनुभव जो हमारे लिए था। इसके बाद हम दूसरे हमारे भोलेनाथ जी की तरफ मिलने चले गए तो हमारे एक पत्थर थे उसके ऊपर थोड़ा सा चढ़ना पड़ता है, तो हमने थोड़ी सी चढ़ाई करी और हमने उस पत्थर के ऊपर मतलब जब हम गए थे हम वहाँ पर भोलेनाथ जी के साथ थे, तो मतलब जब हम उस पत्थर के ऊपर गए वही एक अनुभव था मतलब कि एक जन्नत वाला और एक मतलब बोल सकते ठंडी ठंडी हवा। हम वहाँ थोड़ी देर बैठे और हमारी जो थकावट थी, हम जो चल रहे थे इतना एक दिन से पूरा और वहाँ पहुँचे और हमारी थकावट बिल्कुल ही गायब होगी, क्योंकि जो पल था और एक जो ये मूवमेंट था मतलब एक वो बोल सकते आप बयान ही किया जा सकता उसको शब्दों में, मतलब ऐसा एक पल था। और जब आप हिमाचल में होते हो तो मतलब एक अलग ही अनुभव था, पहाड़ चारों तरफ थे, आप बिल्कुल टॉप पे होते हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो फाइनली जब हमने ये अनुभव थोड़ा सा हमने वहाँ पे टाइम बिताया अपना, उसके बाद हम वहाँ से भी निकल गए, हमने थर्ड मंदिर की तरफ जाके हमने दर्शन करे, उसके बाद हम निकल पड़े थे नौराधार की तरफ। तो लेकिन हमको वहाँ पे बीच रास्ते में मिल गया एक और हमारा साथी जिसने हमारा साथ आगे तक निभाया काफ़ी, तो हमारी दूसरी तक हमारा ये साथी साथ में आया, उसके बाद उसको दूसरा अपना पार्टनर मिल गया था। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम जल्दी से जल्दी नौराधार की तरफ बढ़े क्योंकि रात भी होने वाली थी और हमको सोलन के लिए उसी मतलब हमको उसी दिन निकलना था। तो हम काफ़ी जल्दी गए और हम उसी रात को 5 बजे हम नौराधार पहुँचे फाइनली, और उसके बाद हमने जल्दी से घर ही स्टार्ट करी और हम सोलन की तरफ निकल गए। और ये मतलब एक अनुभव काफ़ी ज़्यादा अच्छा अनुभव रहा हमारे लिए, आफ्टर 6 to 7 months जो हमने ट्रैक किया, भोलेनाथ जी से मिले और एक अद्भुत नज़ारा हमने किया। थक तो काफ़ी गए थे लेकिन मतलब वर्थ था जो हमारे लिए ट्रैकिंग था। सो फाइनली होप करते आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई
होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन स्टे सेफ।